न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। मौजूदा हेमंत सरकार झारखंड के भ्रष्टाचारियों का संरक्षक बनी हुई है। झारखंड में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। सरकारी कार्यालयों में बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है और जनता त्रिहिमाम कर रही है। इसके लिए केवल और केवल हेमंत सरकार जिम्मेदार है। युक्त बातें पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कही है। चांडिल प्रखंड के चिलगो में आयोजित आजसू पार्टी के कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन सपनों और कल्पनाओं को लेकर आंदोलनकारियों ने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी, उन सपनों को आजसू ही पूरा कर सकती है। आजसू कोई साधारण पार्टी नहीं है, आजसू संघर्ष और आंदोलन की उपज है। आजसू का इतिहास उपलब्धियों से भरी पड़ी है। आजसू पार्टी ने महिलाओं के सम्मान, अधिकार और स्वरोजगार के लिए अहम भूमिका निभाई है। प्रमुख चुनाव हम लोग का 26 तारीख को डेट कर दिया कि नहीं, अभी प्रमुख चुनाव होगा। हम लोग का चिलगू पंचायत, जहां हम लोग अभी इस पंचायत का भी पंचायत समिति नहीं है, वो भादुड़ी पंचायत का पंचायत समिति, वहां भी चुनाव नहीं हुआ है। दोनों पंचायत समिति का चुनाव अभी नहीं होने के पहले ही अभी प्रमुख चुनाव का डेट 26 तारीख को रखा गया है। इस तरह का सरकार बोल रहा है कि नहीं, हमारा महिला के आदिवासी नहीं है क्या? तो ये सरकार हम लोग को अपना खाली पार्टी का ही देखते हैं कि नहीं, इसको बोल रहे हैं कि आजसू पार्टी से है, तो आजसू पार्टी से आदिवासी नहीं हो सकता है, जेएमएम पार्टी का ही आदिवासी हो सकता है। ये पार्टी लेवल में तो नहीं है, ये तो चुनाव आप करा रहे हैं। यहाँ तो चुनाव इनका जब पंचायत में जब चुनाव लड़े उस टाइम क्यों नहीं किए? जो पदाधिकारी हो तो उनके ऊपर पहले कार्रवाई होना चाहिए। कास्ट कैसे इनको दिए? वही कास्ट के हिसाब से इनका चुनाव समिति का रद्द नहीं हुआ, नहीं तो उसी टाइम तो रद्द कर देना चाहिए, तो चुनाव नहीं लड़ पाते। अब चुनाव उस टाइम जीता है, उनका सब कुछ ही होगा, पदाधिकारी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी कार्रवाई कर जो प्रमुख बना उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है, इस तरह का लोग देख के ही करते हैं। चांडिल प्रखंड के पूर्व प्रमुख अमला मुर्मू के सदस्यता रद्द किए जाने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। रामचंद्र सहीस ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हेमंत सरकार की गलत नीतियों के कारण चांडिल प्रमुख अमला मुर्मू का सदस्यता रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई गैर स्थानीय व्यक्ति विधायक बन सकता है, लेकिन ईचागढ़ विधानसभा की एक स्थानीय आदिवासी महिला अमला मुर्मू प्रमुख पद पर नहीं रह सकती। नेता कर्मठ नेता शरद महतो जी, आप पर पार्टी ने भरोसा किया है कि इनको जो जिम्मेदारी दिया जा रहा है निश्चित रूप से जिम्मेदारी को भली भांति अनुपालन करेंगे। साथ ही साथ श्री प्रसाद महतो शुभकामनाएं देता, आज कोई जनसभा नहीं है, बैठक है। ये राजनीतिक दल का अपना परिपाटी होता है कि संगठन को हम कैसे चलाएंगे, चल रहा तो किस रूप से चल रहा की बैठक होती है। ये कार्य समिति की बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें कार्य समिति के बैठक में जिला समिति के साथ साथ जिला के सभी अनुसंगी इकाई के सभी पदाधिकारी रहते हैं, इसके साथ प्रखंड के सभी पदाधिकारी रहते हैं, प्रखंड के जो अनुसंगी इकाई रहते हैं सब रहते हैं। यानी कार्य समिति बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपना विचार को प्रस्तुत किया है और जो यही सीखते हैं, आप मेडिकल पढ़ने जाइएगा तो एम्स जाइए, बड़ा बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए, वहां पढ़िए, तो गरीब का बच्चा तो वहां पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत उसमें मुश्किल से पहुंचते हैं। तो अगर चाहेगा कि हम इस राज के लिए राजनीति करेंगे और उनका इरादा और नीति स्पष्ट रहेगा, विचार स्पष्ट रहेगा, तो जनता उसको नेता के रूप में स्वीकार कर सकता है। ये भारत का लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है। लेकिन हमारे लोगों में देखिए, मेरा जो 15 साल का राजनीतिक अनुभव है मैं उसी को शेयर कर रहा हूं, और उससे 15 साल जो मैंने सामाजिक गतिविधि में जुड़े रहे, हमारे लोग राजनीति को बड़ी हल्के से लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेता। राजकर्ता नेता राजनीति को गंभीरता से नहीं लेता, जनमुद्दों को गंभीरता से नहीं सोचते,
ऐसे नेता कार्यकर्ता अगर क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होता है तो उससे उसको घबरा हटा जाता है। आजसू पार्टी वो एक मामूली राजनीतिक दल नहीं है, इस बात को समझना चाहिए कि आजसू का जन्म आंदोलन से हुआ, संघर्ष से हुआ। बापे रवि जी को हम बता रहे थे, कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने कहा कि पार्टी के हर नेता व कार्यकर्ता को सेवा का संकल्प लेना होगा। समाज के शोषित वर्ग की सेवा और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जनता का विश्वास आजसू पर है और जनता आजसू के हाथों नेतृत्व सौंपना चाहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ईचागढ़ विधानसभा के एक एक व्यक्ति से मिलकर आजसू के विचारधारों का प्रचार प्रसार करें। कार्य समिति का बैठक है, इस बैठक में प्रखंड के जो नेता हैं, जिला के नेता हैं, सभी नेता इस बैठक में उपस्थित होकर अपना विचार रखा। जिला कार्य समिति ने जो पहले कार्यक्रम जो लिए गए थे उन सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया, संगठन का पुनर्गठन विस्तार का मूल्यांकन करते हुए कुछ नए चेहरों को जिम्मेवारी दिया गया ताकि संगठन में गति प्रदान हो सके। साथ ही साथ इस क्षेत्र, इस जिला के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इस राज्य के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उस विषय पर भी समिति ने गंभीरता से लिया है और सरकार, वर्तमान जो सरकार है, जो जनता के साथ कमिटमेंट करके जनमत हासिल करके जो सरकार बनाया है, सरकार बनाने के बाद राज्य के जनता के जनमत को अनादर किया, जनमत को असम्मान किया, उसके लिए पार्टी गंभीरता से लिया है। वादा खिलाफी के खिलाफ आजसू पार्टी जनमुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करेगी ताकि ये सरकार जागे, सरकार को याद आए कि चुनाव से पहले जो कमिटमेंट किया था, जो घोषणा किया था, वो जनता के लिए पूरा हो सके। पार्टी में कुछ का पार्टी में नेता है, उनको विशेष रूप से जिम्मेदारी दिया गया है। जो हमारे इस चांडिल प्रखंड के पूर्व प्रमुख कमला मुर्मू जी पार्टी के ही महिला नेत्री है, उनको विशेष रूप से आज जिला कार्यकारी जिला अध्यक्ष के रूप में उन्हें जिम्मेदारी सौंपा है पार्टी ने। इसके साथ शरद महतो जी जो पार्टी के ही नेता है और शिव प्रसाद महतो वो भी पार्टी के ही नेता हैं, उनको विशेष रूप से जिम्मेदारी दिया गया है ताकि संगठन और मजबूती से काम करें। सर प्रमुख को क्या लगता है, सर राज जनता के प्रति गंभीर नहीं है, राज्य सरकार केवल राजनीति करती है, लोगों का संवैधानिक अधिकार हनन ना हो, संवैधानिक अधिकार अक्षुण रहे, इसके लिए वो गंभीर नहीं है। सरकार यदि गंभीर होती तो आज अमला मुर्मू जैसा एक आदिवासी महिला के साथ अन्याय नहीं होता। न केवल अमला मुर्मू इस राज्य का एक आदिवासी महिला, बल्कि और कितने महिलाएं अपना संवैधानिक अधिकार से वंचित हो चुके हैं। तो सरकार को इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए और नीति, स्पष्ट नीति उनको बनाना चाहिए ताकि उनको संवैधानिक अधिकार मिले। क्योंकि स्थानीय विधायक हमारा यहाँ से खड़ा हुआ ही नहीं है। आज पहली बार हमारे नसीब है, हमारे भाग्य है कि हमारे ईचागढ़ से आज हम लोग आसिफ पार्टी के नेतृत्व में हम लोग को विधायक मिले हैं।
हरी चावल विधानसभा को भी देखते हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं सब तो बाहर के हैं, जितना भी कैंडिडेट है। हम नहीं बोलते हैं कि झारखंड का बाहर के, लेकिन हमारे इजागर से नहीं है, कहीं कोई आदिपुर से है तो कोई कमाया से है तो कोई टाटा से है, कोई रांची से है, इस तरह का। करूंगा लोग से विनती करूंगा, ये भूल आप लोग दोबारा ना करें कि बाहरी लोग को वोट दे, बाहरी लोग को उखाड़ के फेंके और स्थानीय लोग को वोट दे आज जिताइए। क्योंकि कुछ भी समस्या होगा यहाँ, कुछ भी दर्द होगा, कुछ भी समस्या होगा, तो यहाँ का जो इंसान होंगे, यहाँ का जो लाड़ होगा, यहाँ का जो पुत्र होगा, वो समझेगा यहाँ का दुख दर्द। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।